हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम ड्राइव। सो आज इस वीडियो में बात करने वाले IOCL रिफाइनरी डिवीजन की तरफ से निकलने वाले रिक्रूटमेंट के बारे में। सो यहाँ पे देख सकते हैं जूनियर इंजीनियर के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आ रहा है। यहाँ पर गुजरात और हल्दिया रिफाइनरी के लिए रिक्रूटमेंट निकला। आप ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स, आप एलिजिबल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ आपके पास क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के अंदर आप आने चाहिए, आप यहाँ पे एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि गुजरात और हल्दिया के लोग ही सिर्फ एलिजिबल, ऑल ओवर इंडिया आप अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं स्टार्टिंग में बता देना चाहता हूँ, जहाँ पर भी वर्क एक्सपीरियंस लिखा गया है वहाँ पर आपको एक साल का अप्रेंटिसशिप एज अ वर्क एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा। तो अगर आपने एक साल का अप्रेंटिस भी किया है, कहीं से भी किया हो, चाहे वो प्राइवेट से किया हो चाहे गवर्नमेंट से किया है, आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। तो डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट प्रोडक्शन में यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात में टोटल 47 वैकेंसीज है, हल्दिया में 7 वैकेंसीज है, देन जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट PNU में गुजरात में 7 वैकेंसीज है, और यहाँ पे PNU एंड O&M में यहाँ पे हल्दिया में 4 वैकेंसीज है। अब नीचे बात कर लेते हैं आपका क्वालिफिकेशन के सेक्शन में चल जाते हैं डायरेक्टली। सो यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्शन में 3 ईयर्स डिप्लोमा बोलेगा, केमिकल में या फिर पेट्रोकेमिकल में या फिर केमिकल टेक्नोलॉजी या फिर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल में, या फिर 3 साल का BSc बोला गया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में आपके पास होना चाहिए। तो जिनका 3 साल का BSc उनको भी आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा उनके लिए वैकेंसी रहने वाला है। देन उसके बाद बात कर ले आपका PNU गुजरात रिफाइनरी का, तो 3 ईयर्स का डिप्लोमा बोला गया है, यहाँ पर आपके पास मैकेनिकल में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि EEE है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, या फिर आपके पास मैट्रिक प्लस 2 साल का आपके पास ITI होना चाहिए फिटर ट्रेड में, या फिर आपके पास BSc होना चाहिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। एक चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, बॉयलर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट आपको बोला गया है 2nd क्लास का होना चाहिए, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट NAC का बॉयलर अटेंडेंट में आपके पास होना चाहिए, तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। नेक्स्ट उसके बाद बात कर ले आपका यहाँ पे PNU एंड O&M हल्दिया रिफाइनरी का, तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 ईयर्स का डिप्लोमा बोला गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, या यहाँ पे आपको EEE में तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। यहाँ पे कोई भी अलग से आपको कोर्स वगैरह सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है, तो यहाँ पर जिनका एलिजिबिलिटी रहेगा आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट उसका जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि यहाँ पर अगर आपके पास 1 साल का अप्रेंटिस है तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे जहाँ पर भी वर्क एक्सपीरियंस मांगा गया है। सो नीचे स्क्रॉल करके आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस हर जगह आपको बोला गया तीनों के तीनों में, तो तीनों जगह पे अगर आप अप्रेंटिस किए हैं तो आप एलिजिबल रहने वाले, 1 साल का अप्रेंटिसशिप है आपके पास तो आप यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कहाँ पर वो चीज़ लिखा गया है। एज लिमिट की बात करें तो 18 से 26 ईयर्स एज लिमिट रखा गया है, 34/2023 में काउंट किया जाएगा ये, जो कि आपका यूअर कैटेगरी के लिए बाद बाकी को रिलैक्सेशन मिल जाएगा एज पर रूल्स। बात कर लिए यहाँ पर आपको दिया गया जो अप्रेंटिसशिप है उसके हिसाब से एज कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा सारा कुछ यहाँ पर मैंसन किया गया है, एक बार पढ़ लीजिएगा। अपर एज लिमिट के लिए इंपॉर्टेंट है, जिनका भी एज लिमिट के आसपास रह रहा होगा वो। नेक्स्ट उसके बाद बात कर लिए यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस का, देख सकते हैं 75 मार्क्स आपको सब्जेक्ट नॉलेज यानी कि आपका डिसिप्लिन से रिलेटेड आएगा, देन 15 मार्क्स न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, देन 10 मार्क्स आपका जनरल अवेयरनेस रहने वाला है, तो ये पूरा है। देन उसके बाद रिटर्न के बाद आपका स्किल टेस्ट लिया जाता है, तो स्किल टेस्ट में आपको क्वालिफाई करना कंपलसरी होता है, मेरिट आपका बनता है जो आपका रिटर्न के बेस पर बनता है, बट स्किल टेस्ट क्वालिफाई होना जरूरी है। अब बात कर ले फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर नोटिफाइड पोस्ट गुजरात, रिटर्न टेस्ट विल बी कंडक्ट एट वडोदरा एंड हल्दिया के लिए जो रिटर्न टेस्ट होगा वो आपका कोलकाता में होगा, तो जिस स्टेट में होता है उसी आपका स्टेट में यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर रखा जाता है, वो हमेशा की तरह IOCL का है। नेक्स्ट उसके बाद बात के लिए यहाँ पे आपको सैलरी स्ट्रक्चर्स वगैरह बताया गया क्या क्या आपको यहाँ पे बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे। देन आपका फ़ी की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यूअर कैटेगरी के लिए 150 रुपीज़ आपको फ़ी लगने वाला, नीचे आपको पूरा प्रोसेस बताया गया है कैसे आपको अप्लाई करना है जो कि हमेशा की तरह सेम रहने वाला है। उसके बाद बात के लिए आपका इंपॉर्टेंट डेट्स नीचे मेंशन किया गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो एड्रेस है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। आप चाहे तो फॉर्म फिलअप करने के बाद प्रिंट आउट को इस एड्रेस पर सेंड भी कर सकते हैं, या फिर आपका जिस दिन एग्ज़ाम रहता है उस दिन आप 2 घंटे पहले जाके वहाँ पे बाय हैंड भी सबमिट कर सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे पूरा मेंशन किया रहता है। डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। कुछ दिक्कत हुआ तो आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आज सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट आपका रहेगा 30/5 शाम के 5 बजे तक, तो अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा। उसके बाद बात कर ले टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट, तो 11/6 रखा गया है, और यहाँ पे देख सकते हैं लाइकली डेट टू पब्लिकेशन ऑफ रिटर्न रिजल्ट, तो रिजल्ट का भी आपको डेट दे दिया गया है, 11/6 आपका रिटर्न का एग्जामिनेशन रहेगा। लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया 10 तारीख से पहले आपको अप्लाई करने का जो भी आपका हार्ड कॉपी पहुँच जाना चाहिए तो आप हार्ड कॉपी भी भेज सकते हैं, बट लेट हो जाता है तो आप लेके भी जा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, मैं आपको ऑफिशियल वेबसाइट भी दिखा दे देख सकते हैं, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको अप्लाई का लिंक मिल जाएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा तो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड हो जाएगा आपका, उसके जस्ट नीचे अप्लाई ऑनलाइन का यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो अप्लाई का लिंक आ जाएगा, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।